मेरा नाम राधे है, मैं नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड में रहने वाला हूँ और मैं 2011 में दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद जो है मुझे किसी दलाल वाला ने काम में लगाया गुड़गांव ले जाके। 9 महीने काम करने के बाद कोई पैसा नहीं मिला, इस कारण मैं वहाँ से भाग के न्यू दिल्ली में आ गया। हम क्राइम करने के दौरान जो है जीबी रोड में कोठे में जाने जो भी जीबी रोड में आता है उसको कोठागार झांसा देते थे कि यहाँ सेक्स वर्कर रहते हैं, तो उसको ऊपर ले जाने से पहले हम छीन लेते थे। तो छीनते थे तो उसको एक लीडर होता था तो उसको हम पैसे दे देते थे कि ताकि वो आधा हमें देता था और आगे आधा वो रखता था। और उसके बाद जब और ट्रेनों में जब छीनते थे बैग चेंज एक्सचेंज करते थे, जब भी उसमें भी कोई लीडर होता था हम उसको आधा देते थे और कोई ऐसा होता था कि देता नहीं था। नशे के लिए क्राइम करा करते थे कि हम मजबूर थे कि नशा चाहिए तो चाहिए। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ, कमला मार्केट इलाका है और वहाँ पे हम लोग नशे के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो हम जेब तलाश कर रहे थे जो सोए हुए थे, आसपास ठेका भी वहाँ सोए ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसे एक आदमी सो रहा था उसको हमने देखा कि जगा हुआ कि नहीं, तो हमने उसका हिलाया तो थोड़ा नीचे गिर गया पटरी से, तो उसके बाद हमने देखा कि ये तो मरा हुआ है। मैंने नशा के लिए मरा हुआ आदमी को भी नहीं छोड़ा, हमने सोचा कि अब तो मरा हुआ ये कुछ कर पाएगा नहीं, हमने निकाल लिए। अब जो है पछतावा होती है ये काम किया हमने। ये ऑपरेशन ब्लेड से मारा गया, जब नशा वशा नहीं मिलता था तब मारते थे। मैं नशे के कारण बर्बाद हो गया था और जेल तक जाना पड़ा, तो मुझे JJB में डाल दिया गया जहाँ SPM के द्वारा काम होता है। वहाँ समझाया, काउंसलिंग किया कि वहाँ नशा करना बहुत बुरी चीज़ है। मैं जेल से आने के बाद JJP में वॉलेंटियर के रूप में काम किया। जब मैं वॉलेंटरी कर रहा था JJP में, इसी समय पढ़ना लिखना और पेंटिंग करना सीखा। वहाँ से अनिल सर सुपरवाइजर कहा कि हमारे पास काम कर सकते हो, मेरे को फिर काम में लगा दिया दिल्ली गेट सेंटर में। यहाँ भी नशा मुक्ति है SPYM का, वहाँ रैन बसेरा भी है, उसमें काम में लगा दिया स्वीपर का। दो जगह के काम दिए, दो सेंटर के। मुझे लगता नहीं था कि पहले मुझसे होगा, बाद में मैंने उसको कर लिया। यहाँ दिल्ली गेट सेंटर में बच्चे लोग थे और वो नशा छोड़ रहे थे, तो उनको देखकर जो है मुझे भी लगा कि मुझे सही नहीं लगा। ऑफिस में जाता था तो वहाँ भी मुझे विरोध करते थे नशेड़ी करके, तो मुझे लगा कि अब दो चीज़ सोचा कि अब छोड़ूँ या तो फिर काम छोड़ दूँ। मैंने सोचा कि काम नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर 26 जनवरी को 2018 में कैलेंडर में निशान लगाई कि आज से हमें इसको पीना नहीं है। जब गांजा छोड़ने के टाइम जो है बहुत 5-6 दिन मुझे उल्टी सा होने लगा, मतलब ये बेचैनी हुई। उसके बाद जो है मैंने फिर थोड़ा बीड़ी स्टार्ट किया 10-15 दिन, फिर वो अब जो है वो भी छोड़ दिया। अब मैंने ये कोई सा नशा नहीं करता। SPYM के जो नशा मुक्ति वाले वो वॉलेंटियर है जो भी ऊपर के हाउस बार वो लोग जिम करते थे, मतलब अपना डंपल बना के करते थे, तो मैं वो देखता था। धीरे धीरे मैं भी करने लगा, 2-3 महीने के बाद जिम ज्वाइन किया। तो बीच में जो है लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि सीमेंट ला के पहले डंपल बनाया, फिर मैंने एक कड़ी काट के बेंच प्रेस बनाया, फिर उसको बेंच को बनाने के लिए एक बड़ा पत्थर है यहाँ पे, तो उसको घन से फोड़ के तो दो जगह डिवाइड करके जो है बीच में बेंच बनाया मैंने। एक टायर का भी यूज़ किया है शोल्डर वाला फ्रंट रेसेस के लिए। दीवार में हमने शीशा को लगा दिए, फिर उसमें जिम करते हैं हम। ये मैंने बनाया है टिकटॉक बनाने के लिए, इसमें शॉर्ट सॉन्ग बनाते थे। यहाँ
गेट में जीनों में मैंने पेंटिंग किया हूँ और ये पेंट मैं पेंटिंग JJP से सीखा हूँ, मैं ये बनाया हूँ मैंने, और ये जीने में भी मैंने लिखा है। जानवर से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, और कुत्ते बिल्ली हो गए उनके लिए मैं सुबह शाम आधा किलो दूध सुबह आधा किलो शाम को डालता हूँ, उसी टाइम उनको पता होता है कि इस टाइम वो आ जाते हैं। और ये मैं जब से नशा छोड़ा हूँ जब से ये करता आ रहा हूँ। हमने जीने में वो पौधे लगाने के लिए गमला बनाया वो देसी तरीके से, उसमें मिट्टी और पौधे लगा के जीने में सजाया जाएगा। अगर मैं नशा छोड़कर अच्छा जीवन जी सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।